ये आज आप लोग की का मेहनत मतलब आप लोगों ने किया और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसमें संजय पटियाला, निशा दुबे जी बड़े आर्टिस्ट हैं, गौरव जी, ये सब लोगों ने सरप्राइज आज बर्थडे ऑफिस में आए हमारे यहाँ, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और केक भी खाया, उसके लिए भी थैंक यू। बर्थडे की बात करते हो, किस तरह से बर्थडे मनाते हैं, कुछ ऐसा कोई कुछ नहीं, नॉर्मल जितने क्लोज फ्रेंड रहते हैं सब बर्थडे नॉर्मल नहीं मनाते, बट फिर भी जितने क्लोज हैं वो सब साथ में रहते। तो आज रात पार्टी होगी? नहीं, कोई पार्टी तो नहीं हम कर रहे हैं, और जितने क्लोज हैं वो लोग हम लोग एक साथ रहेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। खेसारी जी बड़े खास हैं हमारे, और वो उनका पहले फ़ोन आया, और सब लोगों के फ़ोन आए हैं जितने भी क्लोज हैं हमारे दोस्त, और बर्थडे वैसी चीज़ ही है जिसमें सब लोग एक दूसरे को याद रखते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो भी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बट वो लोग काफ़ी सोज रात को बहुत काफ़ी लेट हुआ उन लोगों का, तो मैंने ही फ़ोन किया, तो अब देखें अब रात में हम लोग की मुलाकात होगी। पवन जी का फ़ोन नहीं आया आपको? पवन जी तो हमारे खास दोस्त हैं, अभी क्या बोलेंगे, तो आएगा ही, आना ही चाहिए, बिजी रहते हैं लोग, सुपर स्टार हैं सब लोग, तो इनका वक्त निकलना ही बहुत मुश्किल रहता है, बट दिल से बहुत चाहते हैं हम लोगों को। तो संजय जी आप कीमती समय देकर आए, सारा कर्मकांड यही इसी का रहता है, और अच्छा अच्छा काम करता है, तो उसी के हिसाब से देखें, लेट्स सी। नहीं, बैक कर रहे। स्टार तो हैं सब लोग, तीनों काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स हैं, और सबकी अपनी अपनी एक पहचान है। पवन जी की अपनी पहचान है, खेसारी जी की अपनी पहचान है, और दिनेश जी की अपनी पहचान है, तो तीनों अच्छे स्टार हैं, तो अब इसमें कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। आइए, ये हैप्पी बर्थडे रत्नाकर जी, बहुत मैजिक वाला एक मग लाए हम लोग, इसमें ये मैजिक वाला चाय पियेंगे और मैजिक वाले काम करेंगे, और नए नए हीरो को प्रमोट करेंगे, पुराने तो सब हिट हैं। अगेन हैप्पी बर्थडे। बस वो सरप्राइज है नीलम जी का भी। तो नीलम जी कुछ खास बातें बताइए रत्नाकर जी के बारे में, बर्थडे आ रहा है। इतने अच्छे इंसान हैं, इतने लोगों का हेल्प करते हैं। बताइए तो अच्छा सबको बोल रहा है। बुरी बातें अभी पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा आपको सबसे पहले बताऊंगी। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगी, और हम लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं सभी लोग WWR से, तो सौभाग्य हम लोगों का कि सर से जुड़ के काम कर रहे हैं, और सर का बहुत सपोर्ट मिलता आया है, और उम्मीद है आगे भी ऐसे मिलता रहेगा। बिल्कुल, तो एक गाना गाएंगे सर के लिए आप? हाँ ज़रूर, जो कि बर्थडे के लिए फेमस है, उसी गाना मैं सुनाऊंगी। बार बार ये दिन आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू रत्नाकर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अरे सब बहुत घनिष्ठ हैं, क्या कहेंगे, मतलब सब लोग इतने घनिष्ठ हैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो हाँ, तो सब क्लोज हैं। आइए, तुम भी आइए, जब आइए आप भी आइए, आइए ना, छपेगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, आज इनका बर्थडे है, विश करने के लिए आए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैंने व्हाट्सएप पे इन्हें विश किया था पहले ही, और उसके बाद मैं आ गया इनको पर्सनली विश करने के लिए, और अच्छा लगा यहाँ पर इतना सभी लोग आए हैं, निशा जी, नीलम जी, संजय भूषण जी, और सब लोग यहाँ अच्छे से इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं आपने? बिल्कुल गिफ्ट कोई पूछता नहीं है, वो हम वो हमारी तरफ से होगा सब। क्या देने वाले? ये उल्टा होगा, ये आप अपने लिए तो नहीं पूछ रहे हो। तो एक गाना हो जाए सर के लिए। गाना मैं कहाँ गाना होना गाता यार। और क्या ट्रेंड्स हैं जो आपने देखे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? अब सब लोग एक साथ मिलके चले, यू नो देयर इज आर्टिस्ट कंपनी एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है फिल्मों की, क्योंकि लोग एक साथ मिलके नहीं चल पा रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफें जो हैं प्रोड्यूसर से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक को तकलीफें होती हैं।
अगर सब एक साथ मिल के चलें तो आई थिंक सो इट विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म दैट इज फॉर द भोजपुरी। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड कैसे शुरू हुई, क्या? ये तो काफ़ी पहले 2001 से ही ये कंपनी है, 2000 से। तो हम लोग पहले भोजपुरी में थे नहीं, लास्ट टू ईयर्स से भोजपुरी में हम लोग जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जो रीजनल मार्केट था ये एंड होम टाउन का म्यूजिक लैंग्वेज है, तो इसको हम चाह रहे थे कि वो एक लास्ट यही एक बचा था। सारे लैंग्वेज हम लोग कर चुके थे बट हम भोजपुरी में अभी तक किए नहीं थे। आप भोजपुरी नहीं करना चाहते थे, भोजपुरी से आपको भी कुछ ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन फिर आप भोजपुरी में जब से जुड़े हैं काफी प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, अब पहले से भी कितना मजा आ रहा है? नहीं, इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये होम टाउन लैंग्वेज है हमारा, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने जो किया है वो तो अच्छा किया ही है, और बेहतर क्या कर सकते हैं जिससे सबको इनकम हो ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड जो नए लोग भी हों उनको भी एक चांस जो है उसमें मिले। क्योंकि भोजपुरी में सेगमेंट में क्या है, 3-4-5 स्टार हैं, बट हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं जो नए स्टार्स आ रहे हैं। तो अब जो लास्ट हम लोगों ने 5-6 पिक्चरें ली हैं वैसी, जिसपे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए स्टार भी इंट्रोड्यूस हों, लाइक यू नो 10। तो आपस में भी एक कॉम्पिटिशन नहीं बोल सकते हैं, एक एडजस्टमेंट बोल सकते हैं। कितने प्रमोशन कर रहे हैं अभी? अराउंड 74 कंट्रीज़ है टोटल, 74 कंट्री है जिसमें अभी तक बूस्टअप सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो भोजपुरी में जो लोग नहीं देखते थे अब वहाँ भी लोगों को मिलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इंडिया में सबसे ज़्यादा हम अगर देखें तो नॉर्मली तो बिहारी है, बट सबसे ज़्यादा जो है यूएई में देखा जाता है, जो नॉर्मल है। सेकंड पोजीशन इंडिया के बाद जो है वो यूएई का है। अभी तो भोजपुरी फिल्म जो बन रही है अभी तो एक मैसेज तक पहुँचे नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता नहीं है कि वो पिक्चर हमारी कमा पाएगी। तो फिर जब कमाने लगेगी अगर अच्छे ढंग से, तो उस टाइम पे सबको एक सीख देने के लिए या कुछ ऐसा बने एक मार्केट, और उस ढंग से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। तो अगर हम अगर बनाने भी जाते हैं तो जेब हमारे खाली हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे कि हाँ ठीक है हम आज आप पिक्चर बनाओ, आप देशभक्ति पर भी बना दो, पैसे कौन देगा? तो वो चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा, तब जा करके उस ढंग की पिक्चरें जो है आएंगी।